नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजेश कुमार। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लाइफ प्रोटेक्ट में। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था, बायजूस लर्निंग ऐप्स का अनबॉक्सिंग किया था और इसके कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बताया था। आप मैंने ये भी बताया था कि अगर आपको ये चाहिए तो आप किस तरह से बार्गेनिंग कर सकते हैं, किस तरह से डिस्काउंटेड प्राइस पर आप इसको ले सकते हैं। दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे उस वीडियो को लाइक किया। बहुत लोगों ने कमेंट में लिख के मुझसे कहा है कि इसके आगे का रिव्यू वीडियो बनाइए, तो चलिए आज मैं इसका रिव्यू करता हूँ। दोस्तों, इस बायजूस लर्निंग ऐप में जो मुझे टैबलेट मिला है वो है ये 7 इंच का टैबलेट, लेनोवो का टैबलेट है। काफ़ी अच्छा टैबलेट मिला है और इसमें मैं आपको इसका ऐप्स दिखा रहा हूँ, बायजूस प्रीमियर ऐप। तो दोस्तों, इसका रिव्यू बताने से पहले मैं एक बात और बता दूँ कि ये टैब तो मुझे अच्छा लगा, इसका वीडियो अच्छा लगा और इससे मेरे बच्चे को भी काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, मार्क्स भी अच्छे ला रहे हैं। लेकिन हमारे कुछ फ्रेंड एंड फैमिली हैं, कुछ पेरेंट्स हैं जो इसके बारे में पॉजिटिव और कुछ लोगों ने इसके बारे में नेगेटिव रिव्यू भी दिया है। तो मैं आपको ये भी आज बताने जा रहा हूँ कि क्या है नेगेटिव रिव्यू, क्या है इसमें ऐसा नेगेटिव जो कुछ पेरेंट्स को अच्छा नहीं लग रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि जो उन्हें अच्छा ना लगे आपके आपके लिए भी अप्लीकेबल हो। तो मैं आज इस बायजूस लर्निंग ऐप्स के बारे में कुछ पॉजिटिव भी बताने वाला हूँ, कुछ नेगेटिव भी बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा सपोर्ट है। नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। ये जो मुझे 7 इंच लेनोवो का टैबलेट मिला है, इसमें प्री लोडेड है बायजूस का एप्लीकेशन, या फिर आपको SD कार्ड इसके साथ देंगे, SD कार्ड के साथ आपको मिलेगा। आप देख सकते हैं बायजूस का एप्लीकेशन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, 4 सब्जेक्ट है। और इसके अच्छी बात यह है कि अगर इसमें आप कोई एक वीडियो खोलें, जैसे मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इसमें बहुत सारे लर्निंग वीडियोस है। जल्दी क्या होता है कि बच्चे लोग जो होते हैं बुक में, टेक्स्ट बुक में पढ़ के बोर हो जाते हैं, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। अगर उसी चीज़ को इसमें वीडियो से डिस्क्राइब किया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो भी वीडियो है, अगर आप इसमें से कोई भी एक वीडियो ओपन करें तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे वीडियो का पाथ है। आप एक वीडियो कम्प्लीट करने के बाद ये आप दूसरे वीडियो पे जा सकते हैं। इसमें बहुत सारे वीडियो हैं और एक वीडियो से दूसरे वीडियो के जाने के बीच में ये कुछ क्वेश्चंस भी पूछते हैं, और जिससे कि पता चलता है कि इनका प्रोग्रेस कितना है। और वो प्रोग्रेस आप अपने पेरेंट्स एप्लीकेशन में देख सकते हैं। आपको अपने मोबाइल में एक पेरेंट्स एप्लीकेशन आप डाउनलोड करना होगा, जिसमें कि इस यहाँ जो बच्चे क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं उससे पता चलेगा कि उनका प्रोग्रेस क्या है। और यहाँ पे किसी भी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले उसमें उन्होंने को कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जिससे कि बच्चे में एक क्यूरियोसिटी जागती है और उस वीडियो को देखते हैं उसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए। और उसके बाद उससे जो क्वेश्चंस पूछते हैं उसका क्वेश्चन का आंसर देते हैं। अगर आंसर करेक्ट हो या रॉन्ग हो इससे उतना मतलब नहीं है, अगर करेक्ट हुआ अच्छी बात है, अगर रॉन्ग हुआ तो फिर उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं उसका सही आंसर्स क्या है। इस तरह से नेक्स्ट वीडियो पर जाते हैं। तो इसमें मुझे तो इसमें काफ़ी फ़ायदा दिखा है। और सबसे बड़ी बात कि जो मेरे बच्चे हैं वो CBSE बोर्ड में पढ़ रहे हैं और उनके सारे चैप्टर इससे मैच भी कर रहा है। लेकिन जो मैंने एक पेरेंट से मिला, वो इसके बारे में शिकायत कर रहे थे कि उनके बच्चे का बुक में जो चैप्टर है वो इससे मैच नहीं कर रहा है। तो क्या है कि उनके जो बच्चे हैं वो ICSE बोर्ड में पढ़ रहे हैं और उनका कहना है कि ICSE बोर्ड का जो सिलेबस है, जो उसके बुक में जो चैप्टर्स है, उससे इसका जो वीडियो है वो चैप्टर मैच नहीं कर रहा है। तो अगर आपको ICSE बोर्ड के लिए अगर आपको बायजूस ऐप लेना है तो प्लीज़ आप उसके जो बायजूस ऐप के जो कंसल्टेंट हैं उनसे आप ये क्वेश्चन जरूर पूछिएगा कि ICSE बोर्ड से इसके चैप्टर मैच कर रहे हैं या नहीं। तो ये एक नेगेटिव कमेंट मुझे एक पेरेंट से मिला, लेकिन उसी पेरेंट ने एक पॉजिटिव कमेंट भी दिया। उन्होंने ये बताया कि 15 डेज में जब उन्होंने देखा कि वो चैप्टर मैच नहीं कर रहे हैं, उन्हें शिकायत थी, वो सेटिस्फाइड नहीं थे, तो जैसा कि बायजूस का एक गारंटी है, 15 डेज का मनी बैक पॉलिसी है, उसके तहत उन्हें मनी बैक भी मिला, पैसे उनके वापस मिल गए। तो वो हैप्पी कैटलिस्ट, उनका ये जो प्रॉमिस है, कमिटमेंट है कि अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा, 15 दिन में अच्छा नहीं लगेगा तो आपको पैसे वापस मिल जाएंगे, वो पैसे उसे वापस मिल गए। तो ये एक पेरेंट्स का नेगेटिव कमेंट भी था और उसके साथ एक पॉजिटिव कमेंट भी था। एक मेरे फ्रेंड ने एक नेगेटिव कमेंट मुझे बताया, उसने ये बताया कि उसने बायजूस एप्लीकेशन लिए थे अपने 10th क्लास के बच्चे के लिए
और उन्हें ये एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा लगा, उनके बच्चे को भी बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन क्या है कि उनके यहाँ दो बच्चे थे और दोनों बच्चे में कुछ बात पे फाइटिंग हुआ और उन्होंने इस टैबलेट को गिरा कर तोड़ दिया। अब इस टैबलेट को टूटने के बाद जब उसने बायजूस से कंसल्ट किया तो बोला कि चूंकि आपने फोर्सली को तोड़ा है तो आप इसे टैबलेट के लिए आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। तो प्रॉब्लम यह है कि इसका में जो एसडी कार्ड आता है वो एसडी कार्ड आप सिर्फ इसके जो बायजूस ऐप जो टैब देते हैं आप इसी टैब में आप एसडी कार्ड लगा कर आप देख सकते हैं। इसे आप किसी दूसरे लैपटॉप या किसी दूसरे टैबलेट में आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये एक नेगेटिव फीडबैक मिला कि आप इसके एसडी कार्ड को किसी दूसरे टैबलेट या किसी दूसरे लैपटॉप में या किसी बायजूस के वेबसाइट पे ओपन करके वीडियो आप नहीं देख सकते हैं। आपको कंपलसरी है कि उसके ही टैबलेट में आपको यूज करना पड़ेगा। तो ये एक नेगेटिव है। आप बायजूस से को ये फीडबैक देना चाहिए कि आप ऐसा कुछ सिस्टम करना चाहिए कि आपके एसडी कार्ड हम अपने लैपटॉप में भी देख सकें, बड़े स्क्रीन में भी देख सकें। तो ये फैसिलिटी नहीं है। तो ये है बाकी जो इसके बारे में जो मैं वीडियो कैसा है, इसे वीडियो को बच्चों को कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, इसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आई लव इट बट द थिंग इज दैट समटाइम्स आई गेट सो फ्रस्ट्रेटेड दैट आई फील लाइक ब्रेकिंग इट। सिक्स स्टैंडर्ड CBSE के बच्चे ने बनाया है। आप इसका रिव्यू कमेंट देखिए, आप इसमें आपको पता चलेगा कि बच्चे के लिए कैसा है ये बायजूस ऐप, बच्चे को कैसा लगता है, उसमें उसे क्या अच्छा लगता है और उसे क्या अच्छा नहीं लगता है, और उसका वीडियो कैसा है, वीडियो इम्प्रेसिव है या नहीं है, प्रैक्टिकल है या नहीं है। ये ज़्यादा डिटेल अगर रिव्यू चाहिए तो आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप यहाँ से देख करके आप बच्चों का व्यू आप इस पर देखिए, उनके पॉजिटिव और निगेटिव रिव्यू को भी देखिए। तो ये था मेरा आज का रिव्यू। और मैं एक फाइनल आपको अपना बता दूँ कि मुझे इसका वीडियोस अच्छा लगता है, मुझे इसमें जिस तरह से इसमें एक्सप्लेन किया गया अच्छा लगता है। लेकिन वो जो दो कमेंट है आप चेक कर लीजिए। अगर आप ICSE बोर्ड के लिए ले रहे हैं तो आप बायजूस एक बार वेरीफाई कर लें कि ICSE बोर्ड के सिलेबस से इसका चैप्टर मैच करता है या नहीं। और दूसरा, अगर इसका टैबलेट अगर ब्रेक हो जाता है फोर्सफुल्ली, अगर हम बच्चे हैं कुछ भी कर सकते हैं, अगर तोड़ देते हैं तो इसका एसडी कार्ड हम कहीं और यूज़ कर सकते हैं या नहीं। और तीसरा जो एक नेगेटिव रिव्यू है जो कि आप इस वीडियो में आप देख सकेंगे, जो बच्चे खुद बताएंगे कि क्या है, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, तो आप उस वीडियो को भी देखिए, उसका डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे दे रखा है। और बताइए कि आपको हमारा ये रिव्यू कैसा लगा, आप इस रिव्यू में और आप क्या चाहते हैं। अगर आपका जो भी व्यू है आप नीचे कमेंट में लिख के प्लीज़ हमें बताइए, हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो और आगे बनाते रहेंगे। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा हो सके। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपको लाइक करने, शेयर करने, सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं ऐसे ही अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। सो प्लीज़ आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, इससे आपको मिलेगा मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। धन्यवाद। जय हिंद।